खबर जौनपुर जनपद से, जहां किराकत कोतवाली अंतर्गत दिनांक 20 मार्च 2021 को प्रातः 8 बजे थाना किराकत पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना गद्दी क्षेत्र में सोहनी पौनी मार्ग पर महेंद्र प्रताप के गेहूं के खेत में एक युवक का शव पड़ा है। मौके पर सीओ किराकत शुभम तोदी, प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत व फील्ड यूनिट के द्वारा तत्काल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पहचान करने की काफी कोशिश की गई। इसी क्रम में पड़ोसी जनपद वाराणसी गाजीपुर तथा आजमगढ़ व अन्य जनपद के समस्त थानों को इसकी सूचना दी गई। शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु सदर मर्चरी रवाना कर दिया गया। दिनांक 21 मार्च 2022 को उक्त मृतक की पहचान ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ बबलू पुत्र चंद्रमोहन निवासी पहाड़िया थाना जैतपुरा वाराणसी के रूप में हुई। मृतक के भाई कमलेश कुमार के द्वारा थाना किराकत पर लिखी तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। मृतक के परिजन शव को लेने सदर मर्चरी रवाना हो गए। दोपहर में 2 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा मृतक के घर के पास काफी संख्या में उपस्थित होकर उक्त व्यापारी की नृशंस हत्या के विरोध में काफी रोष किया जा रहा था। उक्त सूचना पर पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी के आदेश पर सीओ किराकत शुभम तोदी व क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा मृतक के शव को साथ लेकर वाराणसी पहुंचे, जहां व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को जल्द से जल्द घटना का अनावरण करने का वचन देकर माहौल को शांत कराया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के 48 घंटे के अंदर जौनपुर पुलिस की टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए घटना को अंजाम देने वाले सभी अभियुक्तों को प्रयुक्त आला कत्लमय घटना में प्रयुक्त मृतक का वाहन वैगनार मोबाइल व अभियुक्त गढ़ द्वारा घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद करके अभियुक्त गढ़ों का चालान न्यायालय जौनपुर किया गया। उक्त घटना के त्वरित खुलासे पर अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा किराकत पुलिस के साथ साथ संपूर्ण टीम की प्रशंसा की गई व पुलिस महानिरीक्षक द्वारा हत्या के खुलासा करने वाली पुलिस टीम के लिए 20,000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई। इस घटना के खुलासे के संबंध में आईजी रेंज वाराणसी के सत्यनारायण ने और क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। औरत है जो सरोजा देवी, उनको जो है उनके पास जाने का वो उनको बुलाते हैं, फिर उनका हस्बैंड भी साथ में रहता है, तो उन्होंने उनका जो महिला है उनका भाई मनीष को फ़ोन करती है, तो मनीष जो है वहाँ से अपना मित्र दीपू के साथ गाड़ी में तुरंत वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर दोनों के बीच में क्या बातचीत और कैसे नु होती है, फिर उन्होंने वहाँ से उनके पास जो रॉड है रॉड से इनका सिर पर मारता है, फिर इसके बाद इनको गाड़ी में लेटा के फिर वहाँ से लेके आ गया। फिर हमारा जो है थाना गद्दी करके एक हमारा चौकी है, वो उस चौकी क्षेत्र में ले आते हैं, ले आके वहाँ गेहूं के खेत में उनको डाल के फिर ईंटों से मारता है। तो इसके बाद फिर ये वैगनार गाड़ी ले जाके दूर में जो है दूसरा जगह जो चौबेपुर थाना क्षेत्र में ही पड़ता है, वहाँ जो है ये वैगनार गाड़ी को भी जला देते हैं। तो इतना घटना होती है। इसके बाद जो है डेड बॉडी का जानकारी हमको पुलिस को मिलती है, परसों मिली है, तो मिलने के बाद फिर वो डेड बॉडी क्योंकि हम उस समय तक शनाख्त नहीं हो पाई, फिर वहाँ से किराकत पुलिस ने उनको ले आके फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आया। पोस्टमार्टम का समय में तब जो है जानकारी मिलती है ये व्यापारी का जो बनारस का रहने वाला है उस व्यापारी का शव है, तो तुरंत उनका घर का खबर कर देते हैं। तो खबर करने के बाद फिर वो उनका घर वाले वहाँ लोकल पहाड़िया जो थाना क्षेत्र में उधर बनारस में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, फिर इसके बाद आके कल जो है हमारा किराकत थाने पर आए, तहरीर दे दिया और उनके भाई के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर 302 में अभियोग पंजीकृत किया गया। और कल आफ्टरनून से जो है हमारा किराकत पुलिस और सीओ किराकत और एसपी सिटी और यहाँ का एसओजी टीम सब लोग इस काम में जुट गए हैं। पूरा घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद फिर कैसा घटना को अनावरण करना है मेरे द्वारा भी और एसपी जौनपुर के द्वारा भी इसका मॉनिटरिंग करते रहा। और ये लोग जो है फिर कॉल डिटेल्स के आधार पर और जो घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर जो पूरा घटनाक्रम का पूरा जानकारी हुई और रात में मात्र 24 घंटे के अंदर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ली गई और आला कत्ल बरामद कर दी गई और जो मोबाइल फ़ोन जिसमें प्रयुक्त हुआ वो मोबाइल भी बरामद हो गए
वो सारे घटना का खुलासा भी हो गए।